सन 2002 से आपकी सेवा में हनुमंत छाया ज्वेलर्स। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर। गड़ाकोटा अनगरीय के रहवासियों ने अतिवृष्टि के चलते और नाली निकासी न होने के कारण घरों में भर रहे बरसात के पानी की समस्या को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। रहवासियों ने बताया कि बारिश के पानी की निकासी न होने के कारण घरों में ये पानी भर रहा है और जब सरपंच से नाली निर्माण कराने को कहा तो उन्होंने नाली निर्माण से साफ इनकार कर दिया। वहीं रहवासियों ने सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक पर भ्रष्टाचार करने के गंभीर आरोप लगाते हुए तहसीलदार से जांच कराने की मांग की है। पानी भर गया घर में बरसात का। हाँ। तो आप क्या चाहते? मकान भी गिर गया। अच्छा, तो आप क्या चाहती हो? क्या चाहती है? सुविधा चाहते हैं। अभी क्या क्या परेशानी हो रही है? सब परेशानी हो रही, बैठने की, उठने की, बैठने गौ माता बनी है तो बेपा बाहर बनी है बरसात में। राम जी, पानी भर रहा है साहब। कहाँ? घरों में बरसात का। हाँ। तो किसको आवेदन देने आए हो आप? तहसीलदार। क्या बोल रहे हैं तहसीलदार? आवेदन दे दो। बोला कुछ नहीं होने अभी। वहीं इस मामले में तहसीलदार यशवंत कुमार कुल्हाड़ा ने जांच कराकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। गढ़ाकोटा के से लगे हुए मगरधा गांव के कुछ लोग थे, उन लोगों ने ज्ञापन दिया है कि बारिश में पानी निकासी नहीं होती है। नगर पालिका या ग्राम पंचायत के द्वारा नाली बनाई गई है, भर्ती निर्माण किया गया है, बताया गया है, पर कोई नाली नहीं बनाई गई। उसके संबंध में कार्यवाही के लिए उन्होंने एक ज्ञापन दिया। गढ़ाकोटा से रवि सोनी, सागर टीवी न्यूज। सन 2002 से आपकी सेवा में हनुमंत छाया ज्वेलर्स। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।